सो लोड्स गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर गेम वीडियो। तो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं फिर से कार सेलर डीलरशिप। तो आपको पता होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हमने अपना शोरूम को अपग्रेड किया था क्योंकि मुझे बहुत सारी कार्स खरीदनी थी लेकिन उसको पार्क करने के लिए जगह नहीं था, तो मैंने अपना शोरूम को अपग्रेड करके बहुत बड़ा कर दी थी। मेरा शोरूम इस शहर पर वन ऑफ द बेस्ट शोरूम होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी कार्स सेल करनी होगी। तो आज की इस वाले वीडियो में हम करने वाले बहुत सारी कार्स बाय, जिसको मैं सेल करने वाला हूँ और देखते हैं कितना मुनाफा आने वाला है अपने को। सो गाइज लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज वेलकम टू कार सेलर डीलरशिप। तो लास्ट टाइम मैं अपना शोरूम अपग्रेड करके आके सो गया था। आप देख सकते हो मैं अपना रूम पर ही हूँ और मेरी कार बाहर में खड़ी हुई है और ये कार बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है जिसको मुझे साफ करवाना होगा। तो अभी मैं इस कार को साफ करके जाने वाला हूँ कार देखने के लिए। तो लेट्स गो गाइज चलते हैं। तो भाई गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी। यार इसके कलर बहुत मस्त है लेकिन आपको थोड़ा बहुत ख़राब लग रही होगी। साफ करने के बाद आप देखना इसके कलर कैसा मस्त आती है। और साफ कराने के लिए इस तरफ, तो हम जल्दी चलते जाके इसको साफ कराएंगे। एक सेकंड में गलत जा रहा था शायद, तो मुझे जाना है इस तरफ। पेट्रोल पंप अपना इधर ही है। तो गाइस पेट्रोल पंप हेलो मैं भूल गया हूँ यार, ठीक से याद नहीं आ रहा है। एक सेकंड यार मैं कहीं गलत जा रहा हूँ, अपना शोरूम के आसपास आ गया मैं। भाई पेट्रोल पंप इधर ही तो है, तो मुझे लेके जाना होगा पेट्रोल पंप क्योंकि गाइस उधर बहुत जल्दी साफ करके दे देते। और यार मैं बहुत दिन बाद खेल रहा हूँ इसके लिए मैं भूल गया हूँ, ठीक से नहीं याद नहीं है। तो गाइस ये मिल गया पेट्रोल पंप, तो इस पर हम अपना कार साफ कर रहे थे क्योंकि अपने पास अभी टाइम नहीं है, नहीं तो खुद भी साफ कर सकते। लेकिन हेलो एक सेकेंड भाई, तो गाइस अभी मैं साफ नहीं करवा सकता क्योंकि अब रात की टाइम है, मुझे डे चेंज करना होगा। एक सेकंड में जाके वापस आता हूँ, डे चेंज करके आऊँगा। ओए ओए नहीं भाई, मैं बेकार में अपना गाड़ी को डैमेज करता हूँ हर बार। तो मुझे फिर से जाना होगा अपना रूम क्योंकि रात हो गई यार, मुझे यार नज़र भी नहीं आ रहा है ठीक से रात हुई है करके, क्योंकि उतना ज़्यादा अंधेरा तो नहीं हुआ है। तो गाइज मैं आ गया हूँ अपना रूम और जल्दी हम अपना डे चेंज करते हैं। गाड़ी करो बंद और अंदर चलो, मुझे इधर डे चेंज करना होगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है, अब अगला डे है। तो अभी हम जाने वाले कार को साफ करने के लिए क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है जिसको मुझे साफ करवाना ही होगा। इस कार को भी मुझे सेल करना है, तो अब हम जल्दी जाने वाले। तो लास्ट टाइम इधर ही थी ये, तो गाइस पेट्रोल पंप इधर ही आ गया है। ओए ओए नहीं 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 भाई, इसका ड्रिप क्या ही खतरनाक ड्रिप गया, डैमेज कर दी। नहीं डैमेज नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हम इस कार को इधर लेके जाने वाले हैं। बाद में इसको मैं साफ़ करवा के फिर थोड़ा बहुत इसको रिपेयर भी कराऊंगा। तो गाइस मैंने कार पार्क कर दी है, अब इसको साफ़ करवाते हैं। इसके लिए मुझे शायद $50 देना होगा, तो भाई ले लो $50, जल्दी साफ़ कर दो। तो अपना गाड़ी साफ़ हो रही है और ये ऑटोमेटिक है जो कि अपना शोरूम में, यार यस अपना शोरूम में ऐसे एक ऑटोमेटिक मशीन होना चाहिए जिससे हम दूसरों की कार को साफ़ करके हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत ही मतलब ये बहुत महंगा पड़ने वाला है, लेकिन ऐसा है नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो गाइज आज कार मार्केट ओपन है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। और आप इसकी कलर देख लो यार, क्या ही मस्त कलर आ रही है। और अभी हम जाने वाले जल्दी कार्स खरीदने के लिए। अभी मुझे ये गाड़ी गंदा नहीं करना, देख लो यार क्या ही मस्त हवा इसकी कलर आ रही है। तो अब हम जाने वाले अपना कार खरीदने के लिए, लेट्स गो गाइस जल्दी चलते हैं। और अपना शोरूम आप देख सकते हो यार पूरा खाली पड़ा है, सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ा है इस पर। तो गाइज मैं आ गया हूँ कार मार्केट और इधर देखते हैं कौन सी कार है जिसको मैं ख़रीद कर सेल करूँ। और भाई इधर बहुत मस्त मस्त कार आई है जो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं ये कौन सी कार है। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। हेलो मैम इस गाड़ी का रेट आप बता दो। $31,000, ये ठीक है बार्गेनिंग करके थोड़ा बहुत कम कर सकते हो शायद। और ये महंगा पड़ने वाला है,
लो भाई साहब ये कितना है, तो $53,000 जो कि मैं खरीद सकता हूँ आराम से। लेकिन एक सेकंड में दूसरी भी कार देख लेता हूँ। तो गाइज इधर बहुत सारी कार्स है जिसको मैं ख़रीद सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे ये सब सारी कार नहीं ख़रीदनी क्योंकि उतना सारा पैसा नहीं है मेरे पास। मैं आप ख़रीदने वाला हूँ नॉर्मल सी कार जिसको मुझे सेल करना है। और ये भाई साहब इसका कितना है, हेलो मैम बता दो। तो ये पड़ने वाला है $33। तो गाइज हम ये ख़रीदने वाले हैं, ये गाड़ी मुझे मस्त लग रही है, इसको ख़रीदते हम सेल करने के लिए, पर्सनल नहीं है। $51,000 ठीक है, इसको मैं बर्गेनिंग करके $40 में लाता हूँ, देखते ये मानते हैं कि नहीं। तो गाइज ये नहीं मान रहे, तो गाइज ये कम पैसे में नहीं दे रहे, तो कोई बात नहीं हम ख़रीद लेते। तो गाइज इस कार को मैंने ख़रीद ली है और ये हो गया अपना कार। कार तो बहुत मस्त है जिसको मैं सेल करने वाला हूँ, और ये कार देखते कितना है। हेलो भाई इसकी डैमेज बहुत ज़्यादा है, उस कार को तो मैंने देखा ही नहीं डैमेज कितना है। तो इसकी 25% डैमेज है जिसको मुझे अभी रिपेयर करके से ये भी ख़रीद लेते एक सेकंड में। इसको तू $20,000 ऑफर करते शायद ये बंदा दे दे मुझे, तो भाई ये मानने वाला नहीं है बंदा। तो एक सेकंड में $22,000 भाई इतने में तो दे दे यार प्लीज़। तो गाइस फाइनल इस बंदे ने हमें दे दिया है $22,000 में, और ये भी कार अपना हो गया है। अब दो कार हमने ख़रीद ली है, आप देख सकते हो बहुत सारी कार हो गई हमारे पास। अब हम ख़रीदने वाले एक सेकंड यार, मैं बहुत सारी कार ख़रीदना है, ये कार मुझे बहुत मस्त लगी तो इसको भी हम ख़रीदते हैं। इसको बर्गेनिंग करके देखते कितना मिलने वाला है ये कार। $53,000 ये बंदा बोल रहा है जिसको मैं अभी $45,000 देने वाला हूँ, देखते ये बंदा इतने में सेल करता है नहीं। ओ भाई मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया यार, इस बंदे ने तो दे दिया इतना आसानी से। ठीक है भाई, तो मैंने तीन कार बाय कर ली है, अब हम करने वाले ये कार बाय। और ये मुझे उतना सही नहीं लग रही फिर भी मैं बाय करने वाला हूँ। अब मेरे पास 5 लाख बची हुई है जिससे एक सेकंड ये भी एक कार मुझे ख़रीदना है, ये भी कार ख़रीद लेते एक सेकंड। हेलो मैम बता दो। तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 8,000 ये भी बाय कर लेते एक सेकंड, मैं इसको कॉम करके बताता हूँ जिससे हमारा फ़ायदा हो। तो मैं एक सेकंड $6,000 ऑफर करते शायद ये मान जाए, तो शायद नहीं मानने वाला क्योंकि बहुत ज़्यादा कम बोली है मैंने। तो आप 7,000 डायरेक्ट देते इसको, $7,000 शायद ये मान ले, तो ये भी नहीं मान। तो गाइस $7,000 में हमने ये ख़रीद ली है। इस गाड़ी को मैं बहुत ज़्यादा महंगा सेल कर सकता हूँ, और ये है BMW की कार जो कि मैं एक मेरे पास पड़ी हुई है, और एक मुझे नहीं ख़रीदना। और भाई मैं भूल गया हूँ मैं कौन सा कार ख़रीदा है। तो ये कार अपनी है और ये भी कार अपनी है। तो गाइस इस कार को भी मैं ख़रीदने वाला हूँ, और ये ज़्यादा महंगा मत बोलना यार, बर्गेनिंग करके मैं $25,000 में ला सकता हूँ इसको आराम से, ऑफ़र करके देखते। तो गाइस इसने दे दिया यार, मैं शायद बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, बाद में अपना लॉस हो सकती है। तो गाइस फाइनली हमने ये 4 कार बाय कर ली है, अब मुझे और भी कार, सॉरी 5 कार बाय की है मैंने, अब मुझे और कार बाय नहीं करनी। एक सेकंड मैं दूसरी जगह जाके देखता हूँ और कौन सी कार्स है। तो इस कार को मैं एक सेकंड, तो इस कार को मैं अपना शोरूम बेच देता हूँ। तो इस कार को भी मैंने बेच दिया है, और इस कार को भी अपना शोरूम लेके जाओ भाई। तो गाइज हमने जितनी कार्स ख़रीदी थी सबको अपना शोरूम में मैंने बेच दिया है। तो अब हम जाने वाले नेवा रोड, शायद उधर मुझे और भी अच्छी अच्छी कार्स मिल सकती है लेने के लिए। ये कार्स मैं पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ले रहा हूँ, मुझे सेल करनी है अपना शोरूम में। तो गाइज वो है ये, हमें इस तरफ जाना होगा, लेट्स गो हम चलते हैं। तो गाइज मैं आ गया हूँ नेवा रोड, लेकिन मुझे एक भी कार नज़र नहीं आ रही। एक सेकंड, इस तरफ है ना कार बहुत सारी, लेकिन यार इतनी भी सही नहीं है ये कार्स, मुझे उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये कार मैंने ख़रीदी है, और ये कार बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना क्योंकि इसमें यार ज़्यादा हमें लाभ नहीं मिलता है। और मैंने अपना कार यार डैमेज कर दी। एक सेकंड में वो ढूंढ कर देखता हूँ, शायद मुझे कोई अच्छी कार मिल जाए सेल करने के लिए।
तो ये कार भी उधर था जो मैं, ओ गाइस ये कार मुझे लेनी है, ये कार मुझे ख़रीदना होगा क्योंकि ये कार मुझे बहुत ज़्यादा मस्त लगती है। ये कार मुझे ख़रीदनी है, इसकी यार कलर तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसको मुझे अभी रिपेयर भी कराना होगा। ये मैं थोड़ा दिन पर्सनल चलाने वाला हूँ, इसको हम बाद में रिपेयर करा लेंगे। और गाइस इसका 4 सिर्फ डैमेज है, 4% डैमेज है ये कार। बार्गेनिंग करके इसको मैं नीचे ला सकता हूँ वो $35,000, $25,000 हम ऑफर करते हैं। तो गाइस मैंने $25,000 दिया लेकिन ये मान नहीं रहे, तो शायद अब हम 28,000 हम ऑफर करते, देखते ये मान जाए। भाई ये तो यार अपनी अमाउंट में बैठा हुआ है ये यार, ऑफ जितना मैं दे रहा हूँ उतना ये मान भी नहीं रही है। तो लास्ट मैंने $29,000 ऑफर किए, इस बार तो मान जानी चाहिए। तो गाइस $29,000 में हमने ये बाय कर ली है। और ये कार गाइस आपने बाय किया है कि नहीं बताना, क्योंकि ये कार मुझे बहुत पर्सनली बहुत मस्त लगती है। अब थोड़ी दिन ये कार मैं चलाने वाला हूँ और इस कार को मैं भेज देता हूँ ऐसे ही अपना शोरूम। अब हम उसी कार से जाने वाले हैं। तो गाइस इस कार को मैंने बेच दी है अपना शोरूम, और रात हो गई है, अब जाके मुझे सोना पड़ेगा। तो अभी हम जल्दी बैठते अपना नई कार में, लेकिन अभी उतना अच्छा फीलिंग नहीं है क्योंकि ये कार ना ही कलर है और ना ही इस ये कोई अपग्रेड हुआ है। तो इस कार को मुझे रिपेयर कराना होगा। और इसकी यार साउंड उतनी भी मस्त नहीं है, लेकिन नॉर्मल सी है, अच्छी लगती है। सो गाइज मैं आ गया हूँ अपना रूम, अब हमें सोना पड़ेगा जाके। वो मैं इस कार को इधर खड़ा करता हूँ। तो कार को मैंने सही से पार्क कर दी, अब हम बाहर निकलते हैं। तो गाइज इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, और आप कमेंट करके बताना आपने कौन सी कार बाय की है, और आपका शोरूम में अभी कितनी कार है ये भी कमेंट करके बता देना। और अगली वीडियो में हम करने वाले इन कार्स को सेल, और हम देखते हैं इसमें कितना ज़्यादा मुनाफा आने वाला है अपने को। तो गाइस गेमली वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता देना। आई होप कि गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे नई है गेमली वीडियो में। बाय।